हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आजकल गर्मियों का मौसम है तो मार्केट में आम, कच्चे आम आए हुए हैं, तो आम का अचार आज किचन में बनाते हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमने ये 5 किलो आम लिए हैं, ये धो लिए हैं। अब इसमें नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसमें आमों में नमक और हल्दी लगा के रखेंगे। ये 5 चम्मच नमक है, ये 4 चम्मच हल्दी, ये छोटी कटोरी हल्दी 4 चम्मच। अब ये इसमें मिक्स करेंगे आमों को। फाड़ियां चद्दर बिछा के ऊपर छत पे डाल देंगे या पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, करीब 2-3 घंटे के लिए। ये थोड़ी फाड़ी इसकी सूख जाए, इसका मॉइस्चराइजर खत्म हो जाए। सारे में नमक हल्दी लग गया है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद ही सूखने डालेंगे। नमक हल्दी जो लगा के रखे थे आम, उसका ये पानी निकल गया है, एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और आम सारे सूखने डाल दिए हैं। सारे छत पे डाल दिए, या पंखे के नीचे डाल देंगे या छत पे डालेंगे। अभी धूप है तो छत पे डाल दिए हैं, करीब 2-3 घंटे के लिए। आम का अचार बनाने के लिए हमने 50 ग्राम सौंफ ली है, 100 ग्राम सरसों ली है पीली, 9 स्पून नमक लिया है, 3 स्पून हल्दी ली है, 4 स्पून मेथी ली है, 4 स्पून कलौंजी ली है, 4 स्पून ही अजवाइन ली है। ये सारे मसाले ले लिए हैं। अब इनमें ये सौंफ और ये सरसों, मंगरेला और ये मेथी, ये सारी चीज़ें रोस्ट कर लेंगे, हल्की रोस्ट कर लेंगे, इसी तरह कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेंगे। फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, फिर मसाला बनाएंगे। और इसमें हमने 1 kg ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल ही लिया है, अभी जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालेंगे। और ये 4 चम्मच चिल्ली पाउडर। गैस ऑन करेंगे, और मसाले भूनेंगे। ये तोरी सरसों, पीली सरसों, ये सौंफ, मेथी और ये कलौंजी, बस इन चारों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। करीब 5 मिनट, 5 मिनट हो गए हैं, इन मसालों की खुशबू आने लगी है। अब इसको बंद कर देंगे और इसको दरदरा पीसेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। ज्यादा महीन नहीं करना है, बस दरदरा ही करना है।
थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे सरसों का, इसमें मसाला मिक्स करेंगे। ये तेल गरम करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर ये वाला तेल फिर मसालों में मिक्स करेंगे। ये मसाले सारे पीस लिए हैं, दरदरे ही पीसे हैं, ये इसमें मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, ये हल्दी, ये मिर्ची पाउडर, ये अजवाइन, ये सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो तेल गरम किया था वो ठंडा हो गया है, वो इसमें डाल देंगे। ये इसको मिक्स कर देंगे। वो गरम करके जो ठंडा तेल डाल दिया है, ये थोड़ा सा और तेल डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़े थोड़े आम इसमें डालेंगे, ये जो आम सूख गए हैं ये आम इसमें डालेंगे। इसको इसमें मिक्स करेंगे मसाले में। इस तरह मिक्स करके इस ब्याम में डाल देंगे। इसी तरह सारे आम डाल लेंगे और जितनी जरूरत होगी उतना तेल डालते जाएंगे। सारा अचार इसमें डाल लिया है, इसको अब 2-3 दिन धूप दिखाएंगे तो ही इसकी फांके ये गलेंगी। इसमें तेल और भी डाल दिया है थोड़ा सा, अभी और डलेगा थोड़ा सा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।